जो लोग मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं कि हर दिन सुबह शाम दो क्लास होते हैं, तो आज दूसरे दिन का इवनिंग सेशन है। जो आज ज्वाइन कर लें वो जान दें कि ये सीजीएल टायर वन की सांख्यिकी की क्लास है और ये क्लास 2 दिन की हो चुकी है और केवल 3 दिन और बाकी है। आज 2 दिन मतलब 24 सवाल हो चुके हैं और अगले 3 दिन में 6 क्लास के अंदर में और 36 सवाल होंगे। इस तरह से 60 सवाल होंगे और इस 60 सवाल के जरिए हम सांख्यिकी के 4 मार्क्स के सवाल को हम अपने कब्जे में कर लेंगे। तो हर दिन का पकड़ लीजिए मोटा मोटी 1 मार्क्स। तो ये सिचुएशन है और कितने भी कमजोर आप क्यों नहीं है, गणित में अगर 0/0 है तो भी आप कर सकते हैं। और कुछ ही दिन रह गए हैं तो चलिए, और जाने के पहले एक बात बता देता हूं कि आपके डिस्क्रिप्शन पे एक वेब पेज का लिंक है जिसमें वीडियो को सारे सवालों को अलग से इस तरह से दिया है कि आप रिवीजन भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मैथ के अलावा इंग्लिश का भी दिया हुआ है जिससे आप इंग्लिश जिनकी कमजोर है वो अपनी तैयारी शुरू करें। चलिए अब क्लास की तरफ चलते हैं। ये सवाल सीजीएल टायर वन 12 अप्रैल 2022 के शिफ्ट 2 में आया हुआ था, तो इस सवाल को बेहतर रूप से देखते हैं। अब देखिए, यही बेहतर रूप से हमने बना दिया इसे। द ब्रेकअप ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी वर्किंग इन ए डिफरेंट ऑफिस ए टू इन डिग्री इज गिवेन इन द पाई चार्ट। बोलता है कि ए से लेके ई तक का जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो डिग्री में दिया हुआ है। अब बोलता है कि इन विच ऑफिस इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉय 600। अब बोलता है कि बताओ इस ए बी सी डी ई ऑफिस में, किस ऑफिस में जो एम्प्लॉयज की संख्या है वो 600 है, टोटल एम्प्लॉय कितना है 2400 है। देखिए, दूसरे बुक्स वगैरह में करते हैं तो डिग्री को पहले परसेंटेज या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो इतना सारा करने की जरूरत नहीं है। याद रखेंगे हम मैथ नहीं बना रहे हैं, हम सवाल का सही हल ढूंढ रहे हैं और उसके लिए अपनी स्वाभाविक बुद्धि को लगाते हैं। अब देखो 2400 है, ठीक है ना, ये 2400 है। अब 2400 क्या है, एक पाई चार्ट के अंदर में कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। अब 2400 का 600 अगर करना है, 2400 की जगह 600, तो 4 6 24 मतलब 1/4, 360 को भी अगर 4 से भाग देंगे तो 90, तो 90 डिग्री अर्थात ये डी जो है यही होगा, ये मुझबानी हो गया ना। चलिए थोड़ा लिख के भी देख लेते हैं, जिनको थोड़ा सा कमजोर है उनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं, हमें 600 चाहिए, स्टूडेंट है टोटल 2400, तो हम 600/2400 कर दिया, तो काट के देखो 4 हुआ, 4 से कटा, 1/4 हो गया। अब देखो 360 जो है पाई चार्ट के अंदर में टोटल एंगल जो 360 डिग्री का होता है, हमें चाहिए 600, मतलब हमें 1/4 से 600 मतलब 2400 का कितना 1/4 है, तो सिंपली 360 को हमें 1/4 से गुणा कर देना है, काटेंगे तो 90 हुआ। इस तरह से 90 डिग्री जो है ये जो आपका डी क्लास का आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आंसर आपका डी है। आशा करता हूं कि इस सवाल में कुछ भी नहीं था और सही जानो यार, डीआई से शुरू करो, कहीं कोई तकलीफ नहीं। यह सवाल भी 12 अप्रैल शिफ्ट 2 में सीजीएल टायर 1 में आया हुआ था। चलिए सवाल को बेहतर रूप से देखते हैं। बोला गया है कि यह चार्ट दिया हुआ है जिसमें 2 समर कैंप्स जो हैं, कैंप ए और कैंप बी, उनका 2014 से 2019 में जो स्टूडेंट्स भर्ती हुए थे उसका डाटा दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ये सारे सवाल का जो है, मैं जो लिंक दिया हुआ हूं उसमें ये सवाल इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी लिखा हुआ है, और ऐसे तो मैं हिंदी में बोल ही रहा हूं, तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो उस वेब पेज को लेने से आपको काफी ज्यादा सुविधा हो जाता है। अब देखिए बोला क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन कैंप ए इन 2016 एंड 2019, 2016 ये है, 2019 ये है,
और कैंप ए की बात हो रही है, मतलब ब्लू कलर की, 2016 में 140, 2019 में 180, तो 100, 100, 200 और 40 और 80, 120, मतलब 320, 320 आपके ए कैंप में है। और हमें क्या निकालना है, व्हाट परसेंटेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन कैंप बी 2015-2017। ये 320 तो बोला कैंप ए का है, और फिर बोलता है कि कैंप बी का जो है 2015 और 2017 में जो जो स्टूडेंट्स आपको भर्ती हुए थे उनके उनका प्रतिशत निकालिए। तो पहले अनुपात करना है, भिन्न के अवस्था में लाना है, फिर 100 से गुना कर देना है। तो देखिए 2015-2015 का बी जो है 240 है, और 2017-2017 का बी जो है 260 है। 240 और 260 को जोड़ेंगे तो 500 है, तो हमने बटे का चिन्ह दिया और 500 लिख दिया, ठीक है। अब ये देखो भिन्न हो गया, ठीक है ना, मुझे प्रतिशत में जवाब पूछा है तो हमें 100 से गुणा कर देना है, ठीक है। अब हमने देखो सुन्ना से सुन्ना काट दिया, दो सुन्ना, अब पांच से काटते हैं, पांच छके 30, 30 होगा तो 20 बच जाएगा, पांचों के 20 मतलब पांच छके 30 तो आपका हुआ 64। तो इस तरह से आज का जो आंसर है वो 64% है जो यहां देख रहे हैं। तो देख रहे हैं ना, ये सवाल जो है कुछ नहीं है, बस साहस करके आगे बढ़ जाइए, होता हुआ चला जाएगा। और जैसे ही आप 60 सवाल का आप करके थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे महोदय, जान लीजिए आपका 4 बार से रोकना बड़ा मुश्किल है। तो बस कर दीजिए इसे। ये सवाल देखें कि 12 अप्रैल 2022 का जो है शिफ्ट 3 में आया था सीजीएल टायर 1 का। देखिए ये इतना आसान सवाल है ना कि आप खुद बोलेंगे कि सर इसमें कुछ है जान है ही नहीं है। चलिए पहले सवाल को बेहतर रूप से देखते हैं। बोला गया है द फॉलोइंग हिस्टोग्राम शोज द मार्क्स स्कोर्ड बाय 40 स्टूडेंट्स। देखिए अगर आप मेरे पिछले क्लास को कर रहे हैं तो कल के क्लास में भी ये सवाल था, मतलब ये चार्ट था, ये चार्ट ऐसे नहीं था, ये तो चार्ट बड़ा करके आपको दिखे, इसलिए ये चार्ट एक्चुअली आप एग्जाम पेपर को देखेंगे इस तरह का था, ठीक है ना। तो हम जो है इस चार्ट को बड़ा करके किए कि सारा चीज आपको व्यवस्थित दिखे। अब क्या है कि बोलता है कि 40 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया और 30 मार्क्स का था, और बोलता है कि ए स्टूडेंट हैज टू स्कोर ए मिनिमम ऑफ 10 मार्क्स टू पास द टेस्ट, मतलब कट ऑफ 10 मार्क्स का है, 30 मार्क्स का है। यहां पर दिया हुआ है जो 5 मार्क्स लाए, दो स्टूडेंट हैं, 5 से 10 मार्क्स के बीच में 8 स्टूडेंट है, 10 से 15 का 7 स्टूडेंट है। पूछा क्या गया है विच इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 20 और मोर मार्क्स, मतलब कौन आएंगे 20 या 20 से ज्यादा, 20 मतलब ये 20 से 25 आएगा, 25 से 30 आएगा, तो मतलब 10 और 5 15 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपको 20 या 20 से ज्यादा मार्क्स मिले, ठीक है ना। तो हम 15 स्टूडेंट कितने स्टूडेंट में है, 40 में है, तो हम लिखेंगे 15/40 यही करेंगे ना। और इसको चूंकि मुझे ये भिन्न हो गया, मुझे प्रतिशत में बोला, इसे 100 से गुना कर देंगे। देखिए एक ही क्रिया तो कर रहा हूं बार बार। अब काटते हैं तो 40 को काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5 अठे 40 और 5 तिया 15, अब 8 है तो 100 है तो 4 8 को काटते हैं तो 4 दूनी 8 हुआ, और 100 को काटते हैं तो क्या हुआ 25 हुआ, 25 चौके 100, अब 25 को 3 से गुना किया 75 हुआ, 75/2, 75/2 बराबर 37.5%। या भाग दीजिए या दूसरे तरह से सोचिए, 70 का आध 75 क्या, 70+5, 70 का आधा 35, 5 का आधा 2.5, तो 35+2.5 बराबर 37.5। तो देखिए ये इसका आंसर है, कुछ है जी, डरते हैं आप लोग, कुछ नहीं है और लोग डराते हैं। मैं तो वही सवाल ले रहा हूं जो एग्जाम में करेंटली 2022 के आए हैं। अब तो कुछ ना बोलेंगे ना, अब पूरा शिफ्ट का ले रहा हूं, ऐसा चुन के नहीं ले रहा हूं मैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए ये जो सवाल है एसएससी सीजीएल टायर 1 अप्रैल 12 अप्रैल
2022 के थर्ड शिफ्ट में आया हुआ था। तो चलिए सवाल को बेहतर रूप से देखते हैं। अब ये सवाल बेहतर रूप से सजा दिया गया कि आप पढ़ पाए, क्योंकि चूंकि आप लोग मोबाइल में पढ़ते हैं। तो बोला गया द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन 5 स्कूल्स एंड द टेबल्स शो द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन ईच स्कूल। स्टडी द पाई चार्ट अलोंग विद द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलो। यहाँ पे देखो पाई चार्ट दिया हुआ है और प्रतिशत में दिया है। ए में 28%, बी में 15%, ये स्टूडेंट्स के बारे में बोल रहा है। सी में 24%, डी में 18%, ई में 15%। अब एक देखो दूसरा भी एक रेशियो का यहाँ चार्ट दिया है। इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम द ऑल 5 स्कूल इज रिप्रेजेंटेड एज ए पाई चार्ट, देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ए सेक्टर एंगल टू द नियरेस्ट इंटीग्रेट टू स्कूल बी। बोलता है अगर आपको सपोज ये तो सारे स्टूडेंट का पाई चार्ट है, ठीक है ना, और यहां पर स्टूडेंट में जैसे ए में अगर 3 लड़की है तो 4 लड़के हैं, ठीक है। तो बोलता है खाली लड़कियों को अगर पाई चार्ट बनाना पड़े तो फिर स्कूल बी में कितने प्रतिशत बच्चे दिखेंगे आपके पाई चार्ट में। देखने में तो बड़ा लगता कुछ नहीं है इसमें, और दया करके देखिए किताब में जो है जो विधि दिखाई जाती है या सर लोग उसी का कॉपी करते हैं, ऐसे वैसे करने की कोई जरूरत नहीं है यार, हम सीधा सीधा करते हैं। चले पहले ए को लेते हैं। ए में देखो 4 और 3 कितना हुआ, 7 हुआ। ए में कितने हैं, 28%, ठीक है ना। तो हम 7 से 28 को भागा दे दिए तो कितना हुआ, 4 × 7 = 28। और तो मतलब क्या है, अगर 7 × 7 भाग है स्कूल में बच्चे लड़के और लड़कियों का, 4 और 3 मतलब 7 भाग है, यहां पे 28 भाग है, मतलब इसका 4 गुना है। इसका अगर 4 गुना है, देखो ये 7% अगर पकड़ लेते हैं, ये 28% है तो 4 गुना है, 4 × 7 = 28। और गर्ल्स कितने हैं, 3 है, मेरे को तो लड़की लेना है, लड़के लेना नहीं है, तो 4 × 3 = 12%। तो हम क्या करते हैं, ए में जो हम लिखते हैं देखो 4 × 3, 4 क्यों है, मैंने 4 और 3 = 7 जोड़ा, 4 और 3 जोड़ के 7 हुआ, 7 को 28 से भाग दे दिया, 4 हुआ, ये 4 मिल गया, और 3 गर्ल्स हैं तो 3 मिला, ये 4 × 3 मतलब 12%। अब उसी तरह बी का करते हैं, बी का देखो 3 और 2 = 5 है, बी में 15 है, अब 5 से हम 15 को भागा देते हैं तो 3 होता है, और लड़की कितना है, 2 है, तो 3 × 2 हम तो 6 लिख सकते थे एक साथ, लेकिन जानबूझ के ये देखो 3 ये 2। अब आते हैं ये देखो 5 और 3 = 8 हो गया, ठीक है ना। सी में कितने हैं, 24 हैं, तो 8 से अगर मैं 24 को भागा देता हूं तो कितना होता है, 3 होता है, और यहां पे लड़की कितना है, 5 है, मतलब ये 3 गुना है और इनटू 5 है, ठीक है ना। तो देखो 3 × 5 = 15 हो गया। अब हम डी में आते हैं, डी में बोलता है 2 और 1 = 3, ठीक है ना, और डी में स्टूडेंट कितने, 18, तो 3 × 6 = 18 मतलब 6 गुना है। तो हमने पहले देखो 6 लिखा, फिर बाद में देखो 1 लिखा, क्यों लिखा 1, क्योंकि हमारे पास जो है 2 और 1 कितना है, 3 है, और 3 को अगर 3 से भागा देते हैं तो 1 ही होता है ना, या ऐसे बोलो कि देखो गर्ल 1 है, ठीक है ना, हमने 3 को 18 से भागा दिया तो 6 हुआ, उसमें गर्ल 1 है तो 6 × 1। अब हम ई का लेते हैं, देखो 4 और 1 = 5, यहां 15 है, तो 5 से 15 मतलब 5 × 3 = 15, अब 3 है, 3 गुना हो गया, और गर्ल कितनी है, 4 है, मतलब 3 × 4, ठीक है। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं, जोड़ते हैं तो क्या होता है, देखो 12 और 12 = 24 हुआ, ठीक है ना, 24 और 6 = 30 हुआ, 30 और 15 = 45 हुआ, 45 और 6 = 51 हुआ, तो हमने 51 लिखा, ठीक है। और ये 51 में ये टोटल गर्ल्स जो है उसको पांचों स्कूल में मिला के 51 है, ठीक है ना। लेकिन हमें पूछा क्या गया है, स्कूल बी का, ठीक है। अब स्कूल बी का कितना है, तो हमारे पास जो है
ये क्या आया स्कूल बी का, स्कूल बी का जो है हमारा देखो कितना आया है, स्कूल बी का 6 आया है, तो 6/15 मतलब टोटल 51 लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, और जिसमें स्कूल बी में जो है 6 लड़कियां हैं, ठीक है ना, और इसे हमें प्रतिशत में व्यक्त करना है, तो हमें गुना सॉरी इसको हमें डिग्री में बोलना है, हाँ हमें डिग्री में बोलना है नियर इन द स्कूल बी, ठीक है, तो हमें अगर जब डिग्री में बोलना है तो हमने 360 दे दिया, क्योंकि देखो आंसर जो है प्रतिशत में नहीं है, प्रतिशत होता तो 100 से गुना करता, जैसे मैंने गलती से बोल दिया था, अभी डिग्री में करना है तो 100% बराबर 360 डिग्री, तो 100 के जगह पे सिंपली वहां पे 360 से गुना करना है। अब चलिए काटते हैं, 17 * 51 3 × 2 = 6, ठीक है ना, अब जो हुआ अब हम करते क्या है, अब हम करते हैं देखो 360 को 2 से गुना करेंगे तो 720 होगा, 720 बटे आपका 17 हुआ, अब इसको भाग देंगे तो क्या होगा 17 * 68, ठीक है ना, 17 * 68 हो गया, तो आपका उसके बाद 72 है तो 4 बचा 40, तो 17 × 2 = 34, हम 42 डिग्री हम जानते हैं नियरेस्ट टू द बेयर होगा, तो फिर देखो 42 डिग्री आ गया। तो देखो यहां पर जो ये भी जो है मैं कागज कलम यूज नहीं करता लेकिन आपके लिए कर रहा हूं, आप समझ सकते हैं ये सब में जो है यहां पे थोड़ा करना है, ये आपके आधे मिनट नहीं बनेगा, ये 1 मिनट टाइम ले लेगा। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं, देखिए ये सवाल जो है 12 अप्रैल 2022 के शिफ्ट 3 में सीजीएल टायर 1 में आया हुआ था, तो इस सवाल को पहले बेहतर रूप से देखने के लिए नए स्लाइड में जाते हैं। अब देखिए यहां पे बोला गया है कि ये बार जो दिया हुआ है इसमें रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर है, देखिए रिसिप्ट ब्लू कलर में है, एक्सपेंडिचर ब्रिक कलर में है, ठीक है ना, और गेन मतलब लाभ जो है वो आपकी आय से खर्च को माइनस करेंगे तो गेन होगा, ये उसने बता दिया है। अब बोलता है व्हाट इज द इंक्रीज परसेंटेज इन रिसिप्ट फ्रॉम 2017 to 2018। अब देखो रिसिप्ट की बात कर रहा है, आय की बात कर रहा है, ठीक है ना, लाभ की बात नहीं कर रहा है, तो हमें एक्सपेंड देखना ही नहीं है। बोलता है 2017 से 18, अब देखो 2017 में 64 था, 2018 में 80 हुआ, तो बढ़ा कितना, हमें देखो इंक्रीज पूछा है बढ़ा कितना है, तो 80 पहले 64 था 80 हो गया, तो मतलब 80 से 64 अगर घटाएंगे तो 16 होगा, ठीक है ना, और कहां से है बढ़ा है तो 64 से बढ़ा है, तो 64 ये उल्टा करके चल रहा है, मतलब पहले तो लिखेंगे 16/64 ना, ये एनिमेशन है तो उल्टा हो गया है, कोई बात नहीं है, गुना अब मेरे को क्या बोल रहा है, प्रतिशत में बताने के लिए बोल रहा है, तो गुना हमने 100 कर दिया। अब देखो 16 को 64 से काटेंगे तो फिर क्या होगा, 16 * 64 है ना, तो 16 * 64 हो गया, 16 कट गया, और 4 से 100 को काटा तो 25 हुआ, अब 16 कटा है, बराबर जो है 25% आंसर हो गया, जो इसका आंसर है, तो बहुत ही स्वाभाविक है, कहीं लगता है फिर से बोलता हूं बड़ी बड़ी सोचते थे टायर वन में इतना प्रॉब्लमेटिक मैथ आता है, नहीं यार गलत इंफॉर्मेशन है। यह भी सवाल जो है 12 अप्रैल को 2022 के शिफ्ट 3 में सीजीएल टायर 1 में आया हुआ था, अब ये लिखना रह गया है इसमें, तो चलिए इसको दूसरे तरीके बेहतर तरीके से देखते हैं हम। बोलता है द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ यूथ इन लैक्स एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड यूथ इन लैक्स इन 5 स्टेट ए बी सी डी एंड ई, ठीक है, और देखो ये जो आप बार चार्ट देख रहे हैं ये शायद तीसरी या चौथी बार आ रहा है, केवल 2 मतलब 6 एग्जाम हुए, मैंने 2020 का किया है और 2012 का किया है, उसमें ही 6 बार ये सवाल आ चुके हैं, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में ये
मतलब सवाल एक नहीं आ रहे हैं, ये जो आपका ग्राफ है ये यूथ और एम्प्लॉयड यूथ का बार बार आ रहा है सेम फिगर के साथ। अब बोलता है विच स्टेट हैज एम्प्लॉयड यूथ लेस देन द 80% ऑफ द टोटल यूथ पॉपुलेशन। अब भाई टोटल यूथ पॉपुलेशन, यूथ पॉपुलेशन क्या है, ब्लू कलर में है, जोड़ दे भैया 12, 8, 20 लिख दिया मैंने, चलो अब हमें जो है एक चीज यहां पे आपको समझना है वो क्या है, विच स्टेट हैज एम्प्लॉयड यूथ लेस देन द ऑफ इट्स टोटल यूथ पॉपुलेशन। अब हमारे पास देखो एम्प्लॉयड यूथ है 10.5 और यूथ है 12, ठीक है ना। यहां एक चीज देखो मेरे भी नजर से पहली बार निकल गया था, एम्प्लॉयड यूथ यहां पे एक शब्द है, एम्प्लॉयड यूथ मतलब 12 और 10.5 में जो है इसका पहले प्रतिशत निकालना है, 10.5 जो है ये जो एम्प्लॉयड यूथ है टोटल यूथ के कितने प्रतिशत होंगे। सारे बुक्स में ऐसे निकाले जाते हैं, मैं नहीं निकालता हूं, मैं बोलता हूं मुझे गणित नहीं करनी है, मुझे सही हल वहां पर करना है और मुझे वक्त नहीं बिताना है, जहां मैं नहीं होता है वहीं पे करता हूं, नहीं तो मैं कुछ दूसरे तरीके से करता हूं। यहां पर देखिए क्या है, 12 नीचे है तो आप 12 को देखिए और यहां पर आप 10 को देखिए, तो 12 8 96, जब 10 को भाग दे रहे हैं 12 से, मन की आंख से देखिए, प्रधानमंत्री जी जैसे बोलते हैं वैसे आप भी देखिए, तो 12 8 96 के बाद भी तो 4 बाकी है ना, तो 8 के ऊपर ही होगा, ये लेस मांग रहा है, तो मेरे ये टेस्ट में पास हुआ लेस तो है नहीं, तो मैं इसको जो यहां करूंगा, देखो मैंने यहां पे भाग देके 87.5 किया है, सारे बुक्स में ऐसे अलग अलग करके दिखाएंगे, भैया वक्त की तो कीमत है ना, हमारे मास्टर जी तो कॉपी पे क्या लिखे हैं वो देखेंगे ना, हम सही टिक कर रहे हैं वही देखा जाएगा। तो चलिए अब देखिए यहां पर भी 7/8 है तो 7 को क्या देखेंगे, 70 8 8 64, तो 8 के ऊपर ही जा रहा है, मतलब 80 के ऊपर जाएगा, तो ये भी पास हो गया, तो बिना किए किए जा रहे हैं। अब देखो यहां पर है 11 से भाग देना है 10 को, 100 कर लो, ठीक है ना, ऐसे 115 देखने के लिए, लेकिन मेरे को तो क्या 11 8 88, 100 अगर होगा 88, और अगर क्या कहते हैं 0.5 को करेंगे तो 4 होगा तो 92, ठीक है ना, तो 11 8 88 तो मतलब 80% तो जा रहा है प्रभु जी, और अगर मैं 100 करूं 11.5 को 12 कर दूं तो 12 8 96 होता है, तो 80 तो पास कर ही रहा है ना, तो ये भी ठीक है। अब देखो 7.5 को 10 से भाग देना है, ठीक है ना, तो 0.75 × 100 मतलब 75% हो गया, ये पास नहीं हुआ, ठीक है ना, इसमें लेस देन है तो ये पास नहीं हुआ, तो इसको मार दिया। चलो अब ये है 8/9, 8 मतलब 80, 8 9 72, तो मतलब ये भी 8 के प्लस है, तो ये भी पास हो गया, तो केवल पास नहीं हुआ कौन सा, डी, तो बस ये डी आंसर हो गया, बात खत्म हो गई। आशा करता हूं ये समझ चुके होंगे बेहतर रूप से, प्रैक्टिस थोड़ी जरूरत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें दो लिंक दिया गया है, एक मैथ का है एक इंग्लिश का है, जो आप इस कम समय में तैयारी कर सकें जबकि हाथ में गिने चुने समय ही हैं, और कितने मार्क्स लेके आप टायर वन को क्लियर कर सकते हैं इसके ऊपर भी हमने चर्चा किया हुआ है। तो फिर इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है वहां से आप उसको क्या गैदर कर सकते हैं।
बस आप सबसे अनुरोध है कि अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें।